अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के हाई प्रोफाइल सेक्स वीडियो लीक मामले के मुख्य आरोपी मेरठ बार एसोसिएशन के निष्कासित वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए आज पुलिस ने उसके सदर स्थित आवास पर दबिश दी। पॉस्को की धारा लगने के बाद रमेश चंद गुप्ता तुरंत ही भूमिगत हो गया है। इससे पहले तक वह कचहरी आ रहा था। भाजपा के दर्जा प्राप्त मंत्री संजीव सिक्का व महानगर महामंत्री अरविंद मारवाड़ी के खिलाफ भी पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद यह मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। हाल फिलहाल के एक पखवाड़े में यौन शोषण के आरोपी भाजपा नेताओं पर लगने के बाद पार्टी व संगठन सकते में है। दोनों ही मामलों ने भाजपा की छवि को डेंट दी है। मामला चूंकि मंत्री से जुड़ा हुआ है, लिहाजा संजीव सिक्का पर उच्च स्तरीय जांच बैठा दी गई है। तलाशा जा रहा है कि क्या वाकई संजीव सिक्का भी यौन उत्पीड़न में लिप्त है अथवा ऐसी ही जान पहचान के चलते रमेश चंद गुप्ता प्रकरण के दाग उनके सफ़ेद कुर्ते पजामे पर आ गिरे हैं। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती से दोनों भाजपा नेताओं की नज़दीकियाँ दिखाने वाले कुछ फोटो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कुल मिलाकर दर्जा प्राप्त मंत्री संजीव सिक्का और अरविंद मारवाड़ी दोनों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लग गया है। हालांकि कानूनी जानकार व राजनेताओं का यह कोकस आरोप लगाने वाली युवती को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़े हुए है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आज दोपहर निष्कासित वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद गुप्ता के आवास पर पुलिस ने इस तरह दबिश दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और इसे सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। नमस्कार।